में उत्तराखंड की एक और प्रसिद्ध डिश मीठा भात लेकर आई हूँ। तो चलो जानते हैं इसको बनाने की विधि। एक कटोरी बासमती चावल जिसको हमने 2 घंटे भिगो के रखा वो इस तरीके से दिखेगा। 100 ग्राम गुड़, इसको हमने गला का इसका सीरा बना लिया है। तड़के के लिए 4 बड़े चम्मच देसी घी, 2 से 3 तेज पत्ते, 2 से 4 छोटी इलायची हरी और 1 चम्मच सौंफ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें 4 चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे मीठे भात का स्वाद और अच्छे तरीके से आता है। जैसे ये गर्म हो जाए ये हमारा गल चुका है, इसमें 2-3 तेज पत्ते डालेंगे, 2 से 3 छोटी हरी इलायची, 1 चम्मच सौंफ। इसको हल्के हाथों से भूनेंगे। तड़का हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल डालेंगे जो हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। इसको हल्के हाथों से कम 2-3 मिनट तक भूनते रहेंगे। इसको भूनते हुए हमें लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो गुड़ को गलाकर हमने पानी बनाया था उसको धीरे धीरे इसमें डाल देंगे और इसके हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। इसको हल्की आंच पर कम से कम 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब इसको ढक देते हैं और बीच बीच में इसको 2-2 मिनट बाद इसको चलाते रहेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुकी है, देखते हैं ये मीठा भात बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको सर्व करते हैं। हमारा मीठा भात बनकर तैयार है, इसको थोड़ी सी किशमिश के साथ हम गार्निश करेंगे। आपको ये डिश कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।